उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने कहा कि सरकार के निर्देशों अनुसार रेड जोन से जिला में आने वाले लोगों को लिए अनिवार्य रूप से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जा रहा है। इन केंद्रों में लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान हो इसके लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने जिलावासियों से सहयोग की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला से संबंधित हमारे अपने जो कोविड-19 महामारी के कारण बाहरी राज्यों में विकट परिस्थितियों में फंसे हैं, प्रदेश सरकार की सहायता से अपने घरों तक सुरक्षित पहुंच रहे हैं। रेड जोन क्षेत्र से आने वाले ऐसे लोगों को निश्चित अवधि तक क्वारंटाइन केंद्रों में रखा जा रहा है। उपमंडल स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक इनके लिए क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किए गए हैं। यहाँ इनके ठहरने इत्यादि की उचित व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन स्थानीय लोगों से इसके लिए सहयोग की अपील करता है। उन्होंने कहा कि कोई भी दानी सज्जन अथवा संस्था क्वारंटाइन सेंटरों में ठहरने वाले हमारे अपनों की सुविधा के लिए नया गद्दा, चादर, कंबल, तकिया, दैनिक उपयोग की वस्तुओं की किट जैसे नया तौलिया, साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश इत्यादि उपलब्ध करवाकर अपना बहुमूल्य योगदान दे सकता है। इसके लिए संबंधित पंचायत के प्रधान अथवा उपमंडल स्तर पर SDM नागरिक के माध्यम से भी जिला प्रशासन से भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि लोग काफी आने की फैसिलिटी नहीं है। हमने टेंट हाउसेस से भी किराए पे सामान लिया है और कई लोगों ने डोनेट भी किया है। तो हम लोग एक लॉजिंग बोर्डिंग एक बैंक बनाना चाह रहे हैं। वहां से हम अपील कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो हेल्प करना चाहता है और इसमें ज्वाइन करना चाहता है, चाहे नया गद्दा है, चाहे नई बेडशीट्स हैं, पिलोज है, या जो किट वगैरह आती है जिसमें एक टॉवल, टूथपेस्ट, सोप भी हो सकता है, वो डोनेट कर सकता है। तो उसके लिए, क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं ये हमारे अपने ही हैं और सब को है कि कुछ जो अरेंजमेंट्स हम अपनी तरफ से बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं।